साथियों, दिल्ली के अंदर माननीय एडवोकेट साहिबा के ऑफिस में मैं उनका कलीग हूं, उनकी जूनियरशिप में काम करता हूं। लगातार समाज के अंदर हम लोग जाते रहते हैं, समाज की स्थिति को देखकर चिंतित हैं। लगातार जीवन में जितने भी अभी तक के अनुभव हैं, तो सबसे बुरा दौर आज़ादी के बाद अगर कभी आया था तो वो अभी हाल फिलहाल हम लोगों का चल रहा है। इसके पीछे के कारण क्या हैं, कुछ विशेष जो कारण है उसको यहाँ डिस्कस करेंगे। समय की सीमा है तो इसलिए कम शब्दों में ज्यादा बातें रखने की कोशिश करूंगा। आज हमारे महापुरुषों में से एक हमारे शाहू जी महाराज का बर्थ है, उनका जन्म दिवस है, जिन्हें आरक्षण का जनक कहा जाता है। साथियों, बात है सन 1931 की, जब बाबा साहेब अंबेडकर गोल में सम्मेलन में जाने के लिए तैयार थे, तो बाबा साहेब अंबेडकर ने देखा कि मेरे जो लोग हैं ना तो उन पे जमीन है, मेरे लोगों पे ना तो नौकरी है, मेरे लोगों पे ना किसी और अन्य प्रकार की धन संपदा है, मेरे लोगों पे ना किसी प्रकार का मान सम्मान है, तो मैं किस प्रकार से उन लोगों को इस देश की मुख्य धारा में ले आऊं और कम से कम इतना तो कर दूं उनको कि दो रोटी और दाल का जुगाड़ वो लोग कर ले अपने दिनचर्या में, क्योंकि हम लोगों को तो वो भी नसीब नहीं था और हम आप बखूबी जानते हैं। हम वो लोग हैं जिन्होंने पानी भी संघर्ष करके पिया है, लड़ाई करके पी है, तो हम लोगों ने इस देश के अंदर नौकरियां, इस देश के अंदर संपदा, जो आज घर पे हमारे संपत्ति है, जो हमने कपड़े पहने हैं, सब हमने छीना है, सब हमें किसी ने दिया नहीं। ये तथाकथित विद्वान जो आज हमारे इस हक को, जिसे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आरक्षण के रूप में दे गए, तो जो तथाकथित भिकमंगे इसे भीख बताते हैं, तो वो चिढ़ते हैं, चिढ़ते वो किलसते हैं हम लोगों की तरक्की देख के, वो किलसते हैं हमारे हंसते हुए चेहरों को देख के, वो किलसते हैं हमारे बच्चों को जो डॉक्टर इंजीनियर जज वकील बन रहे हैं आज की डेट में, वो किलसते हैं माननीय एडवोकेट साहिबा को देख के कि कैसे 7 साल के अंदर 4-4 लोगों को इतिहास बना दिया, फांसी पर चढ़वा दिया, जो हत्यारे थे और जिसके सामने ऑक्सफोर्ड से, कैलिफोर्निया से, लंदन से बड़े बड़े जो लॉ स्कूल है वहां से पढ़ के मैम के सामने अधिवक्ता आए थे, सबको उड़ा दिया, तथाकथित विद्वानों की मेरिट को उड़ा दिया और उनको चारों को फांसी पर टंगवा दिया। तो वो लोग इस चीज से किलसते, किलसने दीजिए, हमें भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नाराजगी है अपनों से। नाराजगी ये है कि आज की डेट में इस देश के अंदर जो 3% समाज है वो इस पूरे देश के अंदर रूल कर रहा है। हम लोग इस देश के अंदर टोटल आबादी का करीब करीब 90% लोग हैं, बावजूद इसके वो कॉरपोरेट वर्ल्ड में जाकर के हमारे देश की जो राजनीति है उसको इस प्रकार से मैनिपुलेट कर पाने में कामयाब हो पाया है कि आज हमारे ही लोग उनके वहां जाकर दरी बिछा कर भी खुश हैं, और अगर हम छाती से छाती लगाकर गले मिला रहे हैं तो वो वहां पर नहीं आ रहे हैं। साथी, कहीं ना कहीं हम लोगों की गलती। अभी एक साथी बोल रहे थे कि हम क्यों नहीं अपने आइडियल बदलते हैं, क्यों नहीं हम अपनों को अपना आइडियल मानते हैं, क्यों हम ये दुनिया भर के हीरो हीरोइन है जिनसे हमारा कुछ लेना देना नहीं है, हम इन लोगों की बातें करते हैं। तो मुझे लगता है बिल्कुल हमारे सर बिल्कुल बहुत सही बात बोल करके गए हैं। और आज हमारे जो युवा वर्ग के, मेरी बहुत सारी माताएं बहनें बैठी हैं, मेरे बहुत सारे छोटे भाई बैठे हैं यहाँ पर, मुझे दिख रहा है जो युवा वर्ग है इस सभा में बहुत अच्छी तादाद में है। तो कहीं ना कहीं जब आज हम लोग इस बात को मन से बोल रहे हैं, जब वो देख रहा है कि अपने ही वर्ग की बेटी में इतनी ताकत है कि वो अपना दिमाग लगाकर किस प्रकार से 4 लोगों को फांसी पर चढ़वाया जा सकता है, तो जब वो देख रहे हैं तो उनके आइडियल बदल रहे होंगे। साथियों, वो जब देख रहे हैं कि इसी वर्ग की बेटी बहन कुमारी मायावती जी जब जाकर 4-4 बार शासन सत्ता संभाल सकती हैं और बड़े बड़े बदमाशों को उनके घर के अंदर घुसा सकती हैं, जिन्होंने उत्पाद मचा रखा था समाज के अंदर, उन्हें एनकाउंटर करवा सकती हैं, तो हम लोगों की ताकत कम नहीं है। और ये तो वो समाज है जिसकी बेटियां इस समाज के पुरुषों से हमेशा ज्यादा आगे करके काम करती आई हैं। चाहे हमारी माता सावित्री बाई फूले हो, हमारी माँ फातिमा शेख हो, चाहे हमारी झलकारी बाई माता हो, हमारी तमाम माताएं हैं जिन्होंने समाज के अंदर समय समय पर बहुत बड़े बड़े योगदान दिए और ट्रेंड सेट किया इस समाज के अंदर कि नारी की आवाज को कैसे बुलंद किया जाता है, वो इस बहुजन समाज की बेटियों ने समय समय पर बताया है। साथियों, जिसको फॉलो करके सर्व समाज की महिलाएं भी आगे आई हैं और उन्होंने भी अपने अपने स्थिति अपने अपने एरिया में कार्य किया है, तो मैं उस चीज पर ज्यादा नहीं जाऊंगा। क्योंकि आज हम लोगों का ये जो सामाजिक प्रोग्राम है आरक्षण के जनक शाहू जी महाराज के लिए, हम अपना वंदन करते हैं, करते आए हैं,
और मुझे लगता है कि इस 1931 का जो गोलमेज सम्मेलन था, जहां से मैंने बात शुरू करी थी, अब इस बात को जरूरी है करना। तो साथियों, सन 1931 के अंदर जब बाबा साहेब अंबेडकर सोच रहे थे कि कैसे इन लोगों को इस गरीबी से, इस दयनीय जीवन से बाहर निकाल लें, तो बाबा साहेब अंबेडकर ने सेपरेट सेटलमेंट और सेपरेट इलेक्टोरेट दोनों की व्यवस्था के लिए कहा था। साथियों, चूंकि इस देश के अंदर 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट सिखों को मिल चुका था, 1919 में मुस्लिमों को मिल चुका था, तो 1931 में जब बाबा साहेब अंबेडकर ने बोला कि भाई तुम लोग हम लोगों से बहुत भेदभाव करते हो और तुम हम लोगों के हाथ का दिया पानी तक नहीं पीते, बल्कि पानी पीना तो दूर की बात है, तुम्हारे गांव के अंदर जो कुएं हैं हम उनसे ही पानी नहीं पी सकते, तो हम लोगों को सेपरेट सेटलमेंट दी जाए और सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए, तो तथाकथित एक इस देश के राष्ट्रपिता थोप दिए गए हैं, हम इनको नहीं मानते हैं, सीधा सीधा कोई भी नहीं मानता, और ऑफिशियली इस बात को कह देने में कोई बुराई नहीं है कि कोई राष्ट्रपिता नहीं है इस देश का, हमारे महात्मा राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले हैं केवल, हम किसी और को देश का राष्ट्रपिता नहीं मानते। अगर कोई व्यक्ति इस बात का विरोध करता है तो सबूत दिखाए कि किस आर्टिकल के तहत संविधान में, किस ब्योरे के तहत, किस एक्ट के तहत आपने राष्ट्रपिता इस देश को बना करके थोप दिया है। कौन बोल रहा है भाई, जो बहुजन आबादी है इस देश की, जो 90% टोटल पॉपुलेशन है, वो केवल एक व्यक्ति को राष्ट्रपिता मानती है, और हमारे राष्ट्रपिता हैं महात्मा ज्योतिबा फूले। तो उस तथाकथित कांग्रेसी राष्ट्रपिता ने हम लोगों का पूर्ण रूप से विरोध किया, और विरोध करने का यह हुआ कि बाबा साहेब अंबेडकर भी सोच रहे थे, बाबा साहेब अंबेडकर का भी दोधारी तलवार था, आप जानते दिमाग, तो वो एक तरफ से तो काटते थे, पीछे की साइड से बताते थे कि मैं यहां से काटूंगा। तो बाबा साहब ने कहा कि भैया ऐसा है, मेरे लोग बेचारे गरीब हैं, इनको सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो और रिजर्वेशन तो चाहिए चाहिए। तो बाबा साहब को पता था कि कहीं ना कहीं ये मेरा विरोध करेगा, और ऐसा ही हुआ, पूरी कांग्रेस एक तरफा इनके विरोध में आ गई। हमारे लोगों को अगर सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाता तो मुझे लगता है आज जिस स्थिति में हम लोग ये चीज अपने हक हकूक की बातें लेकर के यहां पहुंच पाए हैं, तो यहां पर दुगनी तरक्की हम लोगों के पास आज की डेट में होती। लेकिन कोई नहीं, बाबा साहेब अंबेडकर दो धारी तलवार थे, उनके दिमाग जो चलता था वो बहुत अलग तरीके से सोचते थे, तो बाबा साहब ने हमें रिजर्वेशन पॉलिसी लागू करवा दी। जब रिजर्वेशन पॉलिसी लागू करवाई हम लोगों के लिए, तो बाबा साहब ने कहा कि इस देश के अंदर जो अछूत है, जिसे पांचवें वर्ण में कहा जाता है, अति शूद्र कहा जाता है, उसको तो मैं अभी हाल फिलहाल इसको रिजर्वेशन दिलवा देता हूं, लेकिन इस देश के अंदर एक और वर्ग है, शूद्र वर्ग जिसे कहते हैं, जो चौथे वर्ण में आता है, जिसे सेवक वर्ण कहा गया है, जिसे सछूत कहा गया है, हमें अछूत कहा गया है, तो ओबीसी को सछूत कहा गया था कि भाई हम इनको छू सकते हैं, इनसे प्यार से बोल सकते हैं, लेकिन इनको कभी इनके हक अधिकार नहीं देंगे, क्योंकि अगर उनके हक अधिकार दे दिए तो खेतों में निकलना पड़ेगा गोरी गोरी कलाइयों को मेहनत करने के लिए, खेतों में निकलना पड़ेगा बड़े बड़े जमींदारों के लड़कों को मेहनत करने के लिए, किसी को पानी भरना पड़ेगा, किसी को मेहनत करनी पड़ेगी, किसी को ट्रैक्टर चलाना पड़ेगा, तो इसलिए जो सछूत वर्ग था, जिसे ओबीसी वर्ग कहते हैं, तो मेहनत का कार्य हम और हमारे ओबीसी भाई कर रहे हैं, सभी को पता है इस देश में जो बहुजन आबादी है एससी एसटी ओबीसी, वही मेहनत का कार्य करती है, पानी भरने के कार्य से लेकर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलाने का कार्य को इस देश के अंदर, तमाम जो खेती का कार्य है इस देश के अंदर, तमाम जो सर्विस सेक्टर का कार्य है, हमारे लोग हैं उसके अंदर। तो बाबा साहब ने कहा कि भाई ऐसा है, ये जो वर्ग है ना, इसके लिए मैं आर्टिकल पहले ही बना करके जा रहा हूं, और बाबा साहेब अंबेडकर ने ओबीसी रिजर्वेशन के लिए इस्तीफा दिया था, ये 90% लोगों को आज तक ये बात पता नहीं है। इस देश के अंदर जो बाबा साहब ने इस्तीफा दिया था, वो हिंदू कोड बिल इस देश की तमाम महिलाओं के लिए और इस देश के ओबीसी वर्ग को रिजर्वेशन देने के लिए वो इस्तीफा बाबा साहेब अंबेडकर ने दिया था। और चूंकि नेहरू जी की ये साजिश थी कि कैसे करके 50 सीट, बाबा साहब तो 51% सीटों की बात करते थे, लेकिन आर्टिकल 340 पहले बाबा साहब ने दिया, आर्टिकल 341 एससी के लिए दिया, आर्टिकल 340 ओबीसी के लिए दिया, और आर्टिकल 342 एसटी के लिए दिया। तो बाबा साहेब अंबेडकर सोच रहे थे, और बाबा साहेब अंबेडकर ने गुरु किसे माना, आप और मैं बखूबी जानते हैं, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले जी को गुरु माना। तो इस देश के अंदर जो हमारा ओबीसी समाज है, जो हमारा बड़ा भाई है, दलित और आदिवासियों का जो बड़ा भाई है, उसने अब मोर्चा संभाल लिया है, और अब कहीं ना कहीं इस देश के अंदर बड़े स्तर पर बदलाव आने शुरू हो गए हैं। चाहे आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, गुजरात देख लीजिए, पंजाब देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए, अब कहीं ना कहीं माननीय साहेब कांशीराम जी ने जो आंदोलन चलाया था,
एक पार्टी के माध्यम से जो हमारे पांच प्यारे थे उन्हें घर घर में डाल दिया है। आज हमारे देश के अंदर तमाम जगहों पर महात्मा ज्योतिबा फूले को पूजा जाने लगा है साथियों, और यही यही यह मौका है जब इस देश के अंदर सामाजिक क्रांति एक बागडोर संभाली हुई है जो लगातार निरंतर अपने मंजिल की तरफ जा रही है। और हमारा कार्य है व्यवस्था परिवर्तन का। ये सत्ता वत्ता बहुत छोटी चीज है हम लोगों के लिए, सत्ता इतनी बच्ची चीज है हम लोगों के लिए कि हमें ज्यादा इस पर फर्क नहीं पड़ता है। अभी हम भले ही सत्ता में नहीं है लेकिन हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हमारा जो व्यवस्था का परिवर्तन है, जो बुद्ध हमारा जो असली घर है, हम लोग लगातार बुद्ध की ओर जाते जा रहे हैं, और एक कहीं ना कहीं बहुत शान सम्मान और गौरव की बात है हम लोगों के लिए और आप लोगों के लिए। तो साथियों मुझे लगता है कि इन बातों को हमें समाज के अंदर निरंतर जा करके इस जो हम गैदरिंग की है, जो हमारी माताएं बहने, जो हमारे पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग आए हैं, हमारे भाई आए हैं, हमारे बड़े आए हैं, तो कहीं ना कहीं इन बच्चों से ये बातें बोलते रहना पड़ेगा। और जब तक हम इन बच्चों को जागरूक नहीं कर लेते जो हमारी सेकंड जनरेशन है, तब तक हम लोग इस लड़ाई के अंदर काबिल नहीं हो सकते, कामयाब नहीं हो सकते। आप लोग सब बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पर, सभी ने अपने अपने जीवन में बहुत कुछ किया है। जब आप लोग एक अचीवमेंट पर आ पाए हैं तब आज आप समाज के लिए सोच पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने तो बहुत कुछ कर लिया, ज्यादा जिम्मेदारी हम जैसे युवाओं की है। हम लोगों को, हम जैसे युवा हैं, सोमेंद्र जैसे युवा हैं और भी तमाम साथी हैं जो लगातार इस लड़ाई को लड़ते रहते हैं, आप लोगों के मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है लड़ाई जीती जाएगी साथियों। और जो हमारी हमारे बच्चों का जो आइडियल है आज की डेट में, वो माननीय बहन जी साहेब कांशीराम, हमारी एडवोकेट सीमा कुशवाहा जी, हमारे इस देश के अंदर तमाम जो आंदोलन में बच्चे हैं वो उनको मानते हैं, ना कि किसी अन्य और व्यक्ति को मानते हैं। मुझे लगता है मानना भी नहीं चाहिए। और मैं इसी अपनी जो मेरा वक्तव्य है मैं इसको एक छोटी सी बात के साथ खत्म करना चाहता हूँ। एक बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है, खीर की कहानी। तो एक जगह पर चार लोग इकट्ठे हुए, चार विद्यार्थी इकट्ठे हुए, तो चार विद्यार्थी अलग अलग विचारधारा के थे, तो जो उसमें चौथा विद्यार्थी था वह फूले साहू अंबेडकर विचारधारा का था। तो तीन जो अन्य विचारधारा के थे, एक नेहरू विचारधारा का था, एक पटेल विचारधारा का था, एक अन्य किसी विचारधारा का था, तो उन्होंने सबने चारों ने मिलकर के बोला भैया ऐसा खीर बनाते हैं, एक खीर बनाएंगे तो कोई चावल लेकर के आओ, कोई दूध लेकर के आओ, कोई किशमिश बादाम लेकर के आओ, कोई पतीला लेकर के आओ। तो इस तरह से चारों ने सामान इकट्ठा किया। सब सामान इकट्ठा होने के बाद जब बैठे सब, खीर बननी चालू हो गई, खीर बना करके तैयार हो गई, बनते बनते शाम हो गई। तो शाम को जो नेहरू विचारधारा का चालाक आदमी था उसने बोला कि ये सब तो पागल है, इनको पागल बना लेता हूँ, इनको बोलता हूँ कि भैया ऐसा है, मेरे अभी मैं थोड़ी देर के लिए पलक झपकी थी मेरी, तो प्रभु श्री राम आए थे, बोले भैया तुम उच्च वर्ग के, तथाकथित उच्च वर्ग के लोग हो, ज्यादा खाना है लेकिन सुबह सुबह खाना, तो रात को अभी सो जाओ, सुबह सुबह खाएंगे खीर को। तो सब लोगों ने बोला चलो भाई नींद आ रही है, सुबह ठंडी करके खाएंगे खीर को। तो सब लोग सो गए। जब सुबह सुबह उठे तो वो बोला, जो पहले वर्ग का आदमी था, बोला भैया ऐसा है, प्रभु श्री राम आए थे, बोले देख तू सो तो गया था लेकिन अगर तू कम खीर खाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, तू बड़ा तथाकथित उच्च कुल का आदमी है तो कम से कम 50% खीर तू अकेला खाएगा। तो जो दूसरे वाला व्यक्ति था, दूसरी विचारधारा का, वो बोला भैया ऐसा है, तेरे में तो प्रभु श्री राम आए थे, मेरे में लक्ष्मण भी आए थे साथ में उनके, तो वो बोल रहे थे कि भैया ऐसा है, खीर में तेरा हिस्सा ज्यादा होना चाहिए, तू ज्यादा मेहनती है। तो भैया तीसरे वाला बोला, तुम्हारे में तो राम और प्रभु लक्ष्मण आए थे, मेरे में तो माता सीता भी आई थी। वो बोली भैया ऐसा है, तू ज्यादा मेहनती है इनसे दोनों से, तू ज्यादा खीर खाइयो। तो जो चौथे वर्ग का आदमी था, जो अम्बेडकरी विचारधारा का था, वो बोला भैया ऐसा है, मेरे भी सपने में आए थे फूले साहू अम्बेडकर, बोले भैया इतने सालों से भूखा बैठा, अभी पूरी रात का इंतजार करेगा क्या, जजा के खीर खा ले। तो भैया मैं तो रात को ही उठा और खीर खा गया, तो अब खीर है ही नहीं, क्या बांटोगे तुम लोग। तो इस तरह से हम लोगों को आगे चलना है, इसी लाइन और लेंथ पर हमें आगे चल के इस आंदोलन को बढ़ाना है। हमारे महापुरुषों ने जो महान आंदोलन हम लोगों को दिया है, तो वो आंदोलन है कि आज हम लोगों को शान सम्मान स्वाभिमान इस देश के अंदर है। अगर हम लोगों ने लड़ाई को आगे जारी नहीं रखा तो साथियों बहुत मुश्किल हो जाएगी हम लोगों के लिए। आप भी जानते हैं प्राइवेट सेक्टर लगातार किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। इस लोगों ने अडानी अंबानी का, मेरे को लगता है इस देश का लोकतंत्र ही है, ये पता नहीं मैं गलत हूँ, लेकिन इस देश का जो लोकतंत्र है वो कब का हैक हो चुका है। ये इलेक्शन जो है केवल दिखावे के इलेक्शन होते हैं। अब हाल फिलहाल इस देश के अंदर किसी प्रकार का लोकतंत्र बाकी रह नहीं गया है, बावजूद उसके हमें लड़ाई लड़ते रहना पड़ेगा। और जब हम अपनी लड़ाई को बहुत मजबूती से रखेंगे तभी जाकर संभव है कि इन छोटे छोटे बच्चों का हम भविष्य सुनिश्चित कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग अपना तो बना चुके हैं महापुरुषों की वजह से, जो हमारे महापुरुषों ने लड़ाई करी, लेकिन जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं हमें उनके लिए सोचना होगा। इन्हीं बातों के साथ मेरा क्रांतिकारी जय भीम, क्रांतिकारी जय ज्योति, जय फातिमा, जय शेर, जय भीम।